बिग बॉस के घर में आ चुका है इम्यूनिटी टास्क और इस टास्क को किसने जीता है चलिए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं फीफा फूज। वेल, जैसा कि हमने देखा कि बिग बॉस का प्रोमो आउट हुआ, इम्यूनिटी टास्क को दिखाया गया। वैसे तो हम सभी को पता है कि इम्यूनिटी टास्क बिग बॉस के घर में पहले ही आ चुका था और हमें प्रोमो में भी देखने को मिला। लेकिन अब सवाल ये है कि इस इम्यूनिटी टास्क को भाई जीता किसने है, जहां हम सभी को पता है कि दो टीमों में ये जो है कंपटीशन हुआ था, दम वालों को मौका ही नहीं मिला इस इम्यूनिटी टास्क में परफॉर्म करने का। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि जो है एक रेड टीम थी, एक ब्लू टीम थी। रेड टीम अरुण की और ब्लू टीम नील की, इन दोनों के बीच में इम्यूनिटी टास्क का आमना सामना हुआ। और आपको बता दें कि इस टास्क में अरुण ने जीता है ये इम्यूनिटी टास्क। लेकिन अरुण ने एक गलती कर दी, जब बिग बॉस ने उनसे पूछा कि भाई इस इम्यूनिटी टास्क का आप इस हफ्ते यूज करना चाहते हैं या अगले हफ्ते यूज करना चाहते हैं, तो लेकिन यहां पर अरुण ने क्या जवाब दिया कि मैं इस हफ्ते इस पावर को नहीं यूज करना चाहता हूं, अगले हफ्ते यूज करना चाहता हूं। अब जैसा कि हम सभी को पता है कि भाई जो है यहां पर सबसे ज्यादा कम वोट फिलहाल अरुण को ही मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अरुण को इसी बार ये इम्यूनिटी टास्क यूज करना चाहिए था। लेकिन अरुण ने ये टास्क जीता तो, लेकिन गलती भी बहुत बड़ी कर दी है। फिलहाल अरुण इस टास्क को जीत चुके हैं। वही इस टास्क के दौरान काफी कुछ हुआ भी है, जहां खानजादी अंकिता में फाइट हुई, इसी के साथ ईशा अभिषेक में फाइट हुई। मतलब इस टास्क के दौरान सभी के रियल फेसेस सामने आ चुके हैं। तो आप इस टास्क को एपिसोड में देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, और अरुण ने जो ये इम्यूनिटी टास्क जीता और जो ये गलती की है, इस पर क्या है आपका कहना, आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बिग बॉस से रिलेटेड अपडेट्स को जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।